नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो स्पेक्ट्रम की। क्या क्या बात करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में? हम लोग बात करेंगे मैसूर रेजिस्टेंस टू द कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साउदर्न डोमिनेशन में मैसूर एक बड़े रोड़े की तरह बन के आएगा, एक बड़े आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस की तरह बन के आएगा। अगर शुरुआत के मैसूर के राज को देखा जाए तो वोदेयार डायनेस्टी यहां पे राज में थी। वोदेयार डायनेस्टी की ही आर्मी में एक घुड़सवार था जो कि बाद में बहुत ही कैपेबल मिलिट्री रूलर की तरह सामने आएगा, जिसका नाम था हैदर अली। हैदर अली जब अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करेगा, अपने आप को और ताकतवर करेगा साउथ इंडिया में, तो अंग्रेजों को यह खतरा लगने लगेगा। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होगा 1767 से 69 में, जिसमें आप देखेंगे हैदर अली जीत जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान हैदर अली की मौत हो जाएगी और कमान को संभालेगा उसका बेटा टीपू सुल्तान। तो ये पूरी चीज हम लोग देखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आई होप ये किताब आपने खरीद के अपने सामने रख ली होगी। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है बैटल ऑफ टलीकोटा से। देखिए विजयनगर साम्राज्य की अगर आप बात करो दोस्तों, तो विजयनगर साम्राज्य लगभग 1399 14वीं शताब्दी से चल रहा था। ठीक है, 14वीं शताब्दी के बिल्कुल एंड से 1399-1400 के लगभग। विजयनगर अंपायर के अंदर ही आप कह सकते हैं कि इनके छोटे से सब्सिडरी मान लीजिए जो वोदेयार डायनेस्टी थी ना दोस्तों, ये एक फ्यूडिटरी प्रिंसिपैलिटी थी। बाद में ये किंगडम ऑफ मैसूर में बदल गई, लेकिन पहले जो ये वोदेयार्स थे ये 1399 से लेके कब तक 1565 के बीच में विजयनगर अंपायर के अंदर थे। तो विजयनगर अंपायर के फ्यूडेटरीज थे, विजयनगर अंपायर के वेसल्स थे, मतलब ये विजयनगर अंपायर के रूलर को रिपोर्ट करते थे उसके कोर्ट में। शुरुआत कैसे होती? शुरुआत ऐसे होती दोस्तों, देखिए 1399 के लगभग से या 1400 के लगभग से विजयनगर अंपायर बहुत तेजी से उड़ेगा। विजयनगर अंपायर एक मेजर कल्चरल सेंटर, एक मेजर कॉमर्शियल सेंटर, एक मेजर मिलिट्री पावर बन के उतरेगा हमारे, आप कह सकते हैं कि देश की पॉलिटी में। अगर ये हमारा पेनिनसुला, अगर यहां पे विजयनगर अंपायर है और यहां पे गोवा है, तो आप देखोगे कि गोवा के पोर्ट से बहुत पास था आपका विजयनगर अंपायर का सेंटर। तो आप देखते हैं कि हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, उस वेस्टर्न कोस्ट के जो पोर्ट्स थे, उन पोर्ट्स की कनेक्टिविटीज विजयनगर अंपायर के मेजर सिटीज के साथ बहुत थी, इसलिए कल्चरली और कॉमर्शियली विजयनगर अंपायर बहुत ज्यादा रिच था। विजयनगर अंपायर की रिचनेस, विजयनगर अंपायर की ताकत आसपास के डेक्कन सल्टनेट्स के थ्रू देखी नहीं जा रही थी। तो डेक्कन सल्टनेट्स ने मिलकर एक अलायंस बनाया और उन्होंने बोला इस विजयनगर अंपायर को हरा देंगे, इसको निकाल फेंकेंगे बाहर। ठीक है भाई, तो भाई अटैक किया डक्कन सल्तनत से मिलकर, विजयनगर अंपायर को हरा दिया। उस समय पे राजा कौन थे? अलिया राम राया। ये जो जंग हुई थी, ये लड़ाई हुई थी, ये कहां हुई है? टलीकोटी नाम की जगह हुई, जहां पे ये नॉर्दर्न कर्नाटका में पड़ता है, लगभग 80 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी ऑफ बीजापुर। आप देखेंगे विजयनगर अंपायर यहां पे हार गया। जैसे ही विजयनगर अंपायर हरा, विजयनगर की मेजर सिटीज और उनकी कैंपल पे लूटपाट मच गई, प्रॉपर डिस्ट्रक्शन किया गया। और वो डिस्ट्रक्शन करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि विजयनगर अंपायर की जो कैपिटल सिटी थी ना, बहुत फोर्टिफाइड थी। ये हम्पी नाम का जो शहर था दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त था। आज की डेट में भी देखोगे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम्पी। हम्पी शहर की खास बात थी, अगर बीच में शहर था तो उसके चारों तरफ बहुत प्रोटेक्टिव वॉल्स थी। इन वॉल्स को भेदना बहुत मुश्किल था इन डेक्कन सल्टनेट्स की फोर्सेस के लिए, बट फाइनली वो जीत जाएंगे। और जब वो घुसेंगे इस हम्पी नाम के शहर में, भाई तबाही मच जाएगी, यहाँ पे बर्बाद करके रख देंगे शहर को। तो सेंट्रल विजयनगर अंपायर टूट गया, ये डेक्कन सल्टनेट्स मिलके हरा पाए विजयनगर अंपायर को। अब जब विजयनगर अंपायर टूटा, आप देखोगे प्रोडोमिनेंटली जो लीडरशिप थी विजयनगर अंपायर की, वो हिंदू लीडरशिप थी। लेकिन हिंदू लीडरशिप होने के बाद भी जो एबिल मुस्लिम सुल्तान थे, जो एबिल अफगान्स थे, उनको इन्होंने नौकरियां दी, अपने यहां पे कोर्ट में रखा। फाइनली जब विजयनगर अंपायर टूटेगा, तो आप देखोगे जब विजयनगर अंपायर का डिक्लाइन होगा, तो इस विजयनगर अंपायर से बहुत सारे सक्सेसर अंपायर निकलेंगे, जिसमें मुस्लिम सक्सेसर अंपायर भी होंगे, हिंदू सक्सेसर अंपायर भी होंगे। इन्हीं हिंदू सक्सेसर अंपायर में एक अंपायर निकला आपका वोदेयार डायनेस्टी। वोदेयार डायनेस्टी के रूलर्स पहले विजयनगर अंपायर के रूलर्स को रिपोर्ट करते थे 1565 तक। 1565 के बाद वो इंडिपेंडेंट रूलर बन जाएंगे। और आप देखिए 1565 से लेकर 1761 तक वो इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे, और उसके बाद भी यही रूल करेंगे, लेकिन डिफैक्टो रूलर कौन बन जाएगा? हैदर अली। और फाइनली जब टीसू सुल्तान को एलिमिनेट कर देंगे अंग्रेज, उसके बाद फिर से आप देखोगे कि वोदेयार को एज अ पपेट इंस्टॉल कर दिया जाएगा मैसूर में। असली ताकत तो ब्रिटिश क्राउन के बाद ही रहेगी। तो 1399 से लेकर 1565 तक
विजयनगर एम्पायर के अंदर ये वो दियार 1565 से लेके 1761 तक इंडिपेंडेंट की तरह रूल कर रहे थे। 1761 में हैदर अली कमान फरमा लेगा, तो हैदर अली, फिर टीपू सुल्तान, और फाइनली जब टीपू सुल्तान एलिमिनेट हो जाएगा तो 1947 तक इसके अंदर ब्रिटिश क्राउन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रूलर था आपका वोदेयार डायनेस्टी के, जिसका नाम था चिक्का कृष्ण राज वोदेयार। 1734 से लेकर 1766 तक इसका रूल था दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं मैं आपको इसके बारे में। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड सामने आएगा दोस्तों। इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या होगा कि यहां पे सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी यानी लगभग 1750 के बाद आप देखेंगे जो मैसूर प्रिंसिपैलिटी थी जो वोडेयार्स के अंदर थी, ये एकदम तेजी से डेवलप होना शुरू करेगी, ग्रो होना शुरू करेगी, स्ट्रांग बनना शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि हैदर अली यहां पे धीरे धीरे लीडरशिप में आएगा दोस्तों। जो राइज ऑफ हैदर अली है, अगर हम राइज ऑफ हैदर अली की बात करें, ये आपके ब्रेव वॉरियर हैदर अली, टेरिबल कमांडर था ये। अगर आप अर्ली 18वीं शताब्दी की बात करो तो अर्ली 18वीं शताब्दी में और खासकर जो चिक्का कृष्ण राज वोदेयार का जो इनिशियल रूल था, आप देख रहे ना किसका रूल कब से कब तक है, 1734 से लेकर 1766 तक, तो इसके इनिशियल रूल में आप देखेंगे दो लोग बहुत ताकतवर बन के उभरेंगे। एक तो था आपका नंजराज और दूसरा पर्सन जो ताकतवर होगा वो होगा देवराज। ये नंजराज और देवराज दोनों मिनिस्टर्स थे, ठीक है, दोनों बहुत प्रॉपर ये पावरफुल थे। इन्होंने जो चिक्का कृष्णराज वोदेयार था जो कि रूलर था, उसको एक पपेट बना के रखा अपने हाथों में, एक कपटपुतली बना के रखा। और आप देखोगे कि यहां पे नंजराज और देवराज राज करेंगे। हैदर अली की बात की जाए तो हैदर अली का जन्म हुआ 1761 में। अब 1721 में एग्जैक्टली किस फैमिली में इसका जन्म हुआ, इस बात पे काफी सारा आप कह सकते हैं कॉन्ट्रोवर्सी, ज्यादा लोगों को पता नहीं, एग्जैक्टली रूलर्स इस बात को मालूम कर नहीं पाए। लेकिन आप धीरे धीरे देखोगे दोस्तों, जब हैदर अली बड़ा होगा उसके अंदर एक कीन इंटेलेक्ट था, गजब की एनर्जी था, टेरिबल, मतलब वो किसी भी चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेता था, मिलिट्री नॉलेज उसकी बहुत तगड़ी थी। साथ साथ जब उसने अपना इनिशियल रिक्रूटमेंट पकड़ा तो वो घुड़सवार बनके मैसूर की आर्मी में शामिल हो गया। उसने इन मिनिस्टर्स के अंदर सर्व किया, धीरे धीरे उसने अपनी काबिलियत उठाई, ऊपर उठा, और एक टाइम पे वो इतना ताकतवर हो गया कि वो राजगद्दी पर ही बैठ गया। देखिए कभी भी उसने आपको फॉर्मल रूलर अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया, रूलर वोदेयार ही था, बट वोदेयार उसके हाथ में पपेट्स थे, मेन रूलर कौन था, हैदर अली था, ठीक है। लेकिन हैदर अली का जो ये राज का समय था लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, उस समय पे देखिए बहुत सारे फैक्टर्स ने हैदर अली की मदद भी करी है। क्या फैक्टर्स थे, थोड़ा यहां पे हम लोग मैप को देखते हैं, ये मैप है। अब देखिए दोस्तों यहां पे जो आपका ईस्ट इंडिया था, इस जगह पे अंग्रेज डोमिनेंट थे, साउदर्न इंडिया में आपका इन जगहों पे आपके मराठास डोमिनेंट थे, यहां पे हैदराबाद के निजाम की टेरिटरी थी, और नीचे की तरफ आते हो इधर वाला इलाका तो ये यहां पे मैसूर ताकतवर हुए। राइट वाले फिगर में आपको दिख रहा है कि जो मैसूर राज था ताकतवर होने के बाद ये कितना बड़ा था, डार्क ऑरेंज वाला जो कलर है ना, ये आपका मैसूर राज को दिखा रहा है। आप देखोगे दोस्तों लेटर हाफ ऑफ द जो 18th सेंचुरी है उस समय पे इंडिया में बहुत कुछ हो रहा था। 1739 में आपने देखा अहमद शाह अब्दाली आया, भाई मुगल एम्परर को हरा के चला गया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1757 के टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में बिजी थी। इस समय पे मौका मिला किसको, इस समय पे मौका मिला हैदर अली को कि भाई मैं अपनी ताकत को कंसोलिडेट करता हूं, अपने आप को पावरफुल करता हूं। उसने अपनी ताकत को कंसोलिडेट किया। अच्छा, उसका मौका क्यों मिला, मौका उसको इसलिए भी मिला कि ये जो मैसूर की टेरिटरी थी जो पहले थोड़ी छोटी थी बाद में तेज होगी, उस छोटी सी मैसूर की टेरिटरी पे लगातार अटैक होते थे। तो आप देखोगे कि उस मैसूर की टेरिटरी पे मराठास भी अटैक करते थे, उस मैसूर की टेरिटरी में जो बगल का निजाम था वो भी अटैक करता था। तो भाई जरूरत थी इस मैसूर अंपायर को किसी एबल लीडर की, किसी पावरफुल मिलिट्री लीडर की। वहां के जो लोग थे वो इन कॉन्स्टेंट इन्वेजन से बहुत परेशान थे, तो वो एक ऐसा राज चाहते थे, एक ऐसा लीडर चाहते थे जो उनको बचा पाए, और वो निकल के आया कौन, हैदर अली। आप फाइनली देखोगे कि 1761 में हैदर अली डिफैक्टो रूलर बन गया, उसने पूरी की पूरी रॉयल अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली। हैदर अली जब राज में आया उसको ये पता था कि भाई मराठास मिलिट्री बहुत ताकतवर है, बहुत स्विफ्ट है, मिलिट्री जो फाइट स्किल्स है मराठास की तगड़ी है, तो अगर मराठास से लड़ना है तो मराठा की तरह अपनी आर्मी को स्विफ्ट बनाना पड़ेगा, अपनी जो कैवलरी है वो स्विफ्ट होनी चाहिए, तेजी से घोड़े पे मूव कर सके। अगर उसने बात की कि जो निजाम की आर्मी है, अगर इस निजाम की आर्मी को हराना है तो
तो निजाम की आर्मी को ट्रेनिंग किसने दी थी? फ्रेंच सोल्जर्स ने दी थी। तो फ्रेंच ट्रेन निजाम आर्मी को हराना है तो उसी तरीके की ट्रेनिंग मुझे अपने सोल्जर्स को भी देनी पड़ेगी। फिर उसने देखा कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इनके पास जो वेपन्स है वो एडवांस्ड है, तो अगर उनके एडवांस्ड वेपन से लड़ना है तो हम तलवारों से नहीं लड़ पाएंगे, हमें एक एडवांस्ड वेपनरी की जरूरत होगी। तो उसने कहा कि भैया सुपीरियर आर्म्स को मैन्युफैक्चर करूंगा। और आप देखोगे दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद ली हैदर अली ने, और हैदर अली ने दिंदीगुल नाम की जगह है आपका तमिलनाडु में, इस दिंदीगुल DINDIGUL दिंदीगुल नाम की जगह पे तमिलनाडु में उसने अपनी एक मॉडर्न आर्सेनल खोला, ठीक है, जहां पे उसने आर्म्स फैक्ट्री लगाई जहां उसके हथियार बनाए जाते थे। साथ साथ अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए उसने वेस्टर्न मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। हैदर अली वाज अ मैन ऑफ विजन, उसको पता था कि भैया इन यूरोपियन से लड़ना है तो इनके पास जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसे अपने पास लेना पड़ेगा। और आप देखोगे दोस्तों हैदर अली की डिप्लोमेटिक स्किल्स गजब की थी, मिलिट्री कमांडर भी वो अच्छा था और पॉलिटिक्स भी उसको बहुत अच्छी तरीके से आती थी। उसे पता था द नीड ऑफ द आवर वॉज पॉलिटिक्स, कनिंगनेस, चालूपना, मिलिट्री स्किल, ये सब कुछ था हैदर अली में। इसीलिए हैदर अली आप देखोगे इतना स्ट्रांग हो पाएगा इस इलाके में। अच्छा एक और बात है, हैदर अली की खास बात और है दोस्तों, जिस समय पे हैदर अली राज में आया ना उस समय पे बगल में जो निजाम रूल था वो भी थोड़ा थोड़ा कमजोर हो रहा था। शुरुआत में तो नवाब उल मुल्क असफजा थे, एंड नवाब उल मुल्क असफजा जिसको आप चिन किलिच खान भी बोलते हो, आपको पता है कि भाई ही वॉज अ वेरी एबल रूलर, लेकिन नवाब उल मुल्क असफजा के बाद जो रूलर्स आए वो इतने एबल नहीं थे। आप देखोगे नवाब उल मुल्क असफजा के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? नजीर जंग बैठेगा। नजीर जंग के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? मुजफ्फर जंग बैठेगा। मुजफ्फर जंग के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? सलाबत जंग बैठेगा। सलाबत जंग के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? तो मीर निजाम अली खान बैठेगा, जिसको असफजा टू भी बोलते हैं। और ये दोस्तों जो आपका है जिसका नाम है आपका निजाम अली खान असफजा टू, ये 1762 से लेकर 1803 तक राज करेगा। तो निजाम उल मुल्क असफजा के बाद जो लोग भी हैदराबाद की गद्दी पर बैठेंगे वो इतने एफिशिएंट होंगे नहीं, समझ गए। और नवाब उल मुल्क असफजा जिनको चिन किलिच खान भी बोलते थे, जो कि मुगल सेंट्रल कोर्ट से आए थे, उनकी मौत होगी 1748 में। तो उनकी मौत के बाद भी हैदर अली बहुत तेजी से ऊपर उठा, ठीक है। तो हैदर अली को उठते समय पे अगर कोई रोक सकता था तो वो नवाब उल मुल्क असफजा रोक सकते थे, बट उनकी तब तक मृत्यु हो चुकी थी। अब आप देखोगे हैदर अली अपनी सुपीरियर मिलिट्री स्किल्स दिखाएगा और अपनी मिलिट्री स्किल्स को दिखा के वो कुछ जगहों पर कब्जा करेगा। तो सेरा, बिदनूर, होसकोट, डॉट बल्लापुर 1761 से लेके 1763 के टाइम पीरियड में। अब ये सब नाम देखिए आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, बस ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझने की कोशिश कीजिए। वहीं पे आप देखोगे जो 1761 था उस समय पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अफगानों से मराठास हार जाएंगे, उसके बाद मराठा भाई काफी आप कह सकते हो कि कमजोर हो जाएंगे, बट उस कमजोरी के बाद भी दोस्तों मराठास अंडर माधव राव अटैक करेंगे मैसूर पे, और हैदर अली और मराठास के बीच में लड़ाई होगी और ये लड़ाई कई बार होगी। 1764 में लड़ाई होगी, 1766 में लड़ाई होगी, 1771 में लड़ाई होगी, और इन लड़ाइयों में हैदर अली हारेगा। तो पीस को मेंटेन करने के लिए हैदर अली कुछ पैसा देगा मराठास को और बहुत सारी जमीन देगा मराठास को। तो आप देखोगे कि मराठा 1761 में हार गए, उसके बाद भी उन्होंने हैदर अली पे अटैक किया और हैदर अली को हरा दिया। हैदर अली ने पीस किया, पैसा दिया आपका मराठास को और कुछ लैंड भी दिया। लेकिन आप देखोगे माधव राव जो कि मराठास के एक लेबर रूलर थे, 1772 में हो जाएगी उनकी मृत्यु। 1772 के बाद हैदर अली को एक मौका मिलेगा कि अब मैं मराठास से अपनी खोई हुई जमीन को हथियाऊंगा। और खास बात यह दोस्तों कि ये जो समय था 1772 तक का, इस समय को हैदर अली ने यूटिलाइज किया अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। हैदर अली ने अपनी ताकत को बढ़ाया इस टाइम। और आप देखोगे दोस्तों 1772 के बाद 1774 से लेके 1776 में जो भी हैदर अली और मराठास के बीच में लड़ाई होगी वहां पे हैदर अली जीतेगा, और मराठा से जितनी टेरिटरी हारी थी हैदर अली ने वो सारी टेरिटरी हैदर अली मराठा से वापस ले लेगा, और इनफैक्ट कुछ नए इलाकों को भी कैप्चर कर लेगा जहां पे मराठास अपना टैक्स लगाते थे। तो आप देखिए जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों बहुत ग्रेजुअली हो रहा है। 1761 पे पूरी रॉयल अथॉरिटी हैदर अली के हाथ में आई। उससे पहले आप देखोगे 1750 के समय से ही हैदर अली बहुत तेजी से उठने लगा था। 1761 के बाद भी उसको कई बार हार का सामना झेलना पड़ा मराठास के सामने।
बट 1772 के बाद जब उसको मौका मिला तो 1774 से लेकर 1776 के टाइम पीरियड में मराठा से जो जमीन हारी थी वो भी हैदर अली ने वापस ली, साथ साथ कुछ नया इलाका भी वापस लिया। ठीक है, इस समय पे आप देखोगे कि जो हैदर अली है वो थोड़ा थोड़ा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी करीब आ रहा था, क्योंकि उसको अपनी जो आर्सेनल थी, अपनी जो फौज थी, उसको मॉडर्नाइज करना था। ठीक है, अब हम आते हैं पहले एंग्लो मैसूर वॉर के बैकग्राउंड में 1767 से 1769। इस वीडियो में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर मैं आपको समझाऊंगा। एक और बात दोस्तों, मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बना रखी हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर पे और उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर पे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देखो, इनमें मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। 2 साल हो गए हैं लगभग मुझे इन वीडियोस को बना हुए, 8-9 हजार लोगों ने इन वीडियोस को देखा है। 10-10, 12-12 मिनट की वीडियो है, एक शायद 15 मिनट की, एक 10 मिनट की। आप इन वीडियोस को देखोगे आपको काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलेगी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बारे में, और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और ट्रीटी ऑफ मद्रास के बारे में। इन दोनों का लिंक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं नीचे दे दूं, नहीं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाए, मैं दे ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक, आप दोस्तों वहां से आप जाके फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर देखिए। यहाँ पे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे ही रहा हूं, बट वहां पे कुछ आपको एडेड और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब देखिए कि भैया अंग्रेजों के बीच में और हैदर अली के बीच में लड़ाई कैसे शुरू होती है। बंगाल में अंग्रेज जीत गए, आपने देखा कि भैया 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। अब अंग्रेज ये पता था हम मिलिट्री बहुत ताकतवर हो गए, हमने मुगल एम्परर की सेना को हरा दिया, अब हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनेंगे इंडिया में। 1766 आया, 1766 में आपको पता है कि कौन बैठा था आपके गद्दी पर, अभी मैंने बताया ना असफ जाह टू, तो भैया असफ जाह टू बैठे थे गद्दी पे, उनके अंदर कुछ ताकत वाकत तो थी नहीं, रूलर अच्छे थे नहीं ये असफ जाह टू, इनको निजाम अली खान भी बोलते हैं। नवाब उल मुल्क असफ जाह के बाद जितने भी हैदराबाद के नवाब आए कोई काम का नहीं था, तो यह निजाम ऑफ हैदराबाद को डर था। अच्छा, हैदराबाद की अक्सर कर आसपास के मराठा और मैसूर के साथ स्क्रिमिशेस होती रहती, तो निजाम ऑफ हैदराबाद को एक ऑफर प्लेस किया अंग्रेजों ने। निजाम ऑफ हैदराबाद से कहा कि भैया हम तुमको हैदर अली से बचाएंगे, हैदर अली देखो तुम्हारे बगल में कितना ताकतवर हो गया है, हम तुमको हैदर अली से बनाएंगे, लेकिन तुम क्या करो, तुम हमको एक इलाका दे दो, तुम एक काम करो, तुम हमको नॉर्दर्न सरकार दे दो। तो भैया निजाम ने क्या किया, नॉर्दर्न सरकार इनको दे दिया। एक्चुअली ये जो निजाम था ना, ये नॉर्दर्न सरकार इनको देना नहीं चाहता था, बट अंग्रेजों ने आप देखोगे कुछ ना कुछ करके हुक बाई क्रुक डरा के धमका के समझा के कैसे ना कैसे करके नॉर्दर्न सरकार ले लिया। निजाम को पसंद नहीं आया कि इसके पास से नॉर्दर्न सरकार चला गया। कुछ समय बीत गया, एक बार आप ये इलाका देख लो कि नॉर्दर्न सरकार है कहा, आपको इस मैप में मैसूर भी नजर आ रहा है, ये देखिए आपको इस मैप में निजाम की टेरिटरीज भी नजर आ रही है और आपको इस मैप में नॉर्दर्न सरकार, आप देखिए नॉर्दर्न सरकार कितना बड़ा इलाका। अंग्रेजों ने नॉर्दर्न सरकार ले लिया निजाम से और अंग्रेजों ने बोला हम तुमको हैदर अली के अटैकों से बचाएंगे। ठीक है, हैदर अली उनसे ज्यादा शाना था। हैदर अली के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे नवाब ऑफ आरकोट के साथ और मराठास के साथ। अब यहां पे चार प्लेयर्स हैं दोस्तों, एक तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, एक हैदर अली हो गया, एक मराठा हो गया, एक हैदराबाद का निजाम हो गया, एक नवाब ऑफ आरकोट हो गया, सॉरी 5 प्लेयर्स हो गए। 5 प्लेयर्स कौन कौन से 5 प्लेयर्स बताता हूं अभी। एक तो हो गया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक हो गया हैदर अली मैसूर स्टेट, एक हो गया नवाब ऑफ आरकोट, एक हो गया भैया हैदराबाद का निजाम, ठीक है, और कौन बच गया, एक हो गया मराठा। 5 लोग हैं। अब इनकी आपस में भिड़ंत होती रहती थी, ये सब लोग एक दूसरे के इलाके में अटैक करके थोड़ा थोड़ा हिस्सा हड़पने की कोशिश करते थे। हिस्सा हड़पने में सबसे तेज थे मराठास, मराठास जाते थे अटैक करते थे, जगह जीत लेते थे, वहां पर टैक्स इम्पोज कर देते थे, बोलते थे हमें टैक्स दो, हमको पैसा दो, ये सब बातें होने लगी। आप देखोगे कि अंग्रेजों ने पहली चाल चली 1766 में, उन्होंने क्या किया, निजाम ऑफ हैदराबाद को बोला हम तुमको हैदर अली से बताएंगे, नॉर्दर्न सरकार हमें दे दो, और नॉर्दर्न सरकार का हिस्सा चला गया अंग्रेजों के पास। निजाम को यह बात थोड़ी पसंद आई नहीं, पर अंग्रेजों ने बाई हुक और क्रुक ले लिया। अब आप देखोगे कि एक अलायंस बनता नजर आएगा, इस अलायंस में एक तरफ होगा हैदर अली और दूसरी तरफ होंगी 3 कंबाइंड आर्मी, एक तो मराठा की आर्मी, एक भाई निजाम की आर्मी और एक होगी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तीनों मिल गई और ये तीनों मिलकर खड़ी होगी हैदर अली के अगेंस्ट में। हैदर अली को यह पता था कि अगर ये 3 मिलकर मुझसे लड़ेंगे मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो हैदर अली को समझ में आया कि दिस इज टाइम फॉर डिप्लोमेसी, दिस इज टाइम फॉर पॉलिटिक्स, दिस इज टाइम फॉर चालाकी कनिंगनेस। हैदर अली
तीनों से लड़ाई हुई थी। इनफैक्ट अभी कह लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं हुई थी, बट निजाम ऑफ हैदराबाद से भी लड़ाई हुई थी, मराठा से भी लड़ाई हुई थी। हैदर अली ने मराठा से बोला कि भैया आप पैसा ले लो और हमें छोड़ दो, मतलब आप हम पे अटैक करोगे, हमारे कुछ इलाके लोगे, हमारे इलाके लेने के बाद आप अल्टीमेट एम आपका क्या है, पैसा कमाना है। तो हैदर अली ने मराठा से बोला कि आप पैसा कमाने के लिए आप हमसे सीधे पैसे ले लो। तो 35 लाख रुपए दिए थे और 17.5 लाख सीधे सीधे कैश दे दिए थे, और बाकी 17.5 लाख के लिए कोई जमीन गिरवी रखी थी हैदर अली ने मराठास के पास। ये सब मैंने अपनी इस वीडियो में समझाया है, आप एक बार इस वीडियो को जाके जरूर देखिए, पूरा समझ में आएगा। तो भाई मराठास को न्यूट्रलाइज कर दिया हैदर अली ने, ठीक है। फिर आप देखोगे हैदर अली ने एक मास्टर गेम खेला निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ। हैदर अली ने निजाम ऑफ हैदराबाद को समझाया कि देखो तुम्हारा नॉर्दर्न सरकार अंग्रेज लेके बैठ गए, तुम मेरी तरफ आ जाओ, अगर हमने इन अंग्रेजों को हरा दिया तो तुमको नॉर्दर्न सरकार से वापस दिला दूंगा और कुछ और टेरिटरी भी दूंगा। निजाम ऑफ हैदराबाद खुश हो गया, वो हैदर अली की तरफ आ गया। और नवाब ऑफ आरकोट, नवाब ऑफ आरकोट वॉज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मराठास को न्यूट्रलाइज करके अलग हटा दिया, हैदर अली ने नवाब ऑफ हैदराबाद को अपनी साइड मिला लिया, और हैदर अली और नवाब ऑफ हैदराबाद ने मिलकर नवाब ऑफ आरकोट पे अटैक कर दिया। और नवाब ऑफ आरकोट पे अटैक का मतलब हो गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक, क्योंकि नवाब ऑफ आरकोट तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पपेट था। अब ये जंग चालू हुई और नवाब ऑफ आरकोट को सपोर्ट था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, एक तरफ था हैदर अली और निजाम की आर्मी। 1.5 साल तक बैटल चला दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल काओस पैनिक। बहुत दिन तक बैटल चलने के बाद जो फोर्सेस थी वो रिट्रीट हो गई, फोर्सेस रिट्रीट होने लगी, और जो मद्रास नाम की जगह थी जहां पे अंग्रेजों का गढ़ था, हैदर अली ने एकदम से मद्रास पे धावा बोल दिया। आप मेरी वीडियो जाके देखिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर का, वहां समझ में आएगा। एकदम से मद्रास में धावा बोल दिया, और जो अंग्रेजी फोर्सेस थी वहां पे तैयारी नहीं थी इस अटैक के लिए, मतलब अंग्रेजों को हथियार डालने पड़ गए वहां पे, बुरी तरीके से हार गए अंग्रेज फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। और फिर हुई क्या, फिर हुई ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई 4 अप्रैल 1769 को, और इस ट्रीटी में ह्यूमिलिएट किया किसने, हैदर अली ने अंग्रेजों को। क्या हुआ इस ट्रीटी में, इस ट्रीटी में दोनों साइड्स ने एक दूसरे से बोला कि भैया ठीक है तुमने हमारे जो सोल्जर्स पकड़े, हमने तुम्हारे जो सोल्जर्स पकड़े, एक दूसरे को वापस कर देते हैं, ठीक है, जो कुछ भी आपने कॉन्क्वेस्ट वगैरह किया है वापस करिए। तो निजाम ऑफ हैदराबाद को उसकी टेरिटरीज वापस दी गई। यहां पे एक और चीज हुई कि भाई अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को बोला कि ठीक है अब अगर आपके ऊपर मराठा अटैक करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। तो यहां पे सॉरी टीपू सुल्तान बोल गया हैदर अली, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ यहां पे एक डील करी, और हैदर अली ने बोला कि मराठास अगर मुझ पे अटैक करेंगे तो आप मेरी मदद करोगे, अंग्रेजों ने बोला हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो अब आप इसके बाद देखोगे कि जो हैदर अली था दोस्तों उसके दिमाग में एक चीज रहेगी कि अगर मराठा का अटैक हुआ तो अंग्रेज मेरी साइड है, पर अंग्रेज तो किसी के सगे थे ही नहीं। यहाँ पे हैदर अली एक चीज गलती कर गया कि वो ये नहीं समझ पाया कि ये अंग्रेज किसी के सगे नहीं है, ये अपने किसी भी ट्रीटी को ऑनर नहीं करेंगे अगर वो उनके लिए एडवांटेजियस नहीं है। तो बाद में आप देखोगे कि भाई ट्रीटी ऑफ मद्रास हो गई, हैदर अली अपने इलाकों को थोड़ा एक्सपेंड करना शुरू करेगा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर अब खत्म हो चुका है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास हो चुकी है 4 अप्रैल 1769 को, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर इज ओवर। अब हम घुसेंगे किसमें, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होगा, अब ये जो आपका मैसूर है, ये मैसूर का इलाका सोचेगा कि थोड़ा इस तरफ मूव करते हैं, थोड़ा बहुत मराठास के इलाके में मूव करते हैं। तो जैसे ही मैसूर मराठास के इलाके में घुसने की कोशिश करेगा तो वो किसके साथ कंफ्लिक्ट में आ जाएगा, मराठास के साथ। अब आप यहां पे देखिए, भले ही मराठा 1761 के वॉर में हार गए थे पर वो फिर भी ताकतवर थे, बहुत ताकतवर थे। आप देखोगे जैसे ही मैसूर थोड़ी बहुत हरकत करेगा आपकी पेशवा की टेरिटरी में, मराठास की टेरिटरी में, तो काउंटर अटैक होगा, मराठास धावा बोल देंगे इनके ऊपर। तो मैसूर को लगेगा कि अब तो मैंने ट्रीटी साइन की है ट्रीटी ऑफ मद्रास अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेज मेरी मदद करेंगे, अंग्रेजों ने मदद ही नहीं करी, कोई मदद नहीं आई अंग्रेजों की तरफ से। उस समय पे हैदर अली को समझ में आया कि भाई ये धोखेबाज हैं अंग्रेज, बिल्कुल धोखेबाज हैं। और उस समय पे अंग्रेजों ने तो हैदर अली की मदद नहीं की, लेकिन किसने मदद की दोस्तों, फ्रेंच ने मदद की। तो ये माहे नाम की जगह दिख रही है आपको यहां पे, ये जो माहे नाम की जगह है ये फ्रेंच पोजेशन में था। तो यहां से फ्रेंच की आर्मी का छोटा सा टुकड़ा गया, गन्स, लेड, थोड़ी बहुत बंदूकें। तो ये मालाबार कोस्ट पे जो माहे है, इस माहे पे जो फ्रेंच सेटलमेंट थी उसने मैसूर की मदद की। तो अब हैदर अली को ये समझ में आया कि भाई ये तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भली है, अंग्रेज तो बहुत बेकार टाइप के लोग हैं। उसने बोला कि अब मैं अंग्रेजों पे कभी
भरोसा नहीं करूंगा और अब ये अंग्रेज मेरे परमानेंट दुश्मन है दोस्तों। और वहां पे हैदर अली ने अंग्रेजों को अपना परमानेंट दुश्मन बना लिया। अब जो जियोपॉलिटिक्स थी इस रीजन की, वो जियोपॉलिटिक्स बदलेगी। अब हैदर अली आप आंख का कांटा बन जाएगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब हैदर अली क्या करेगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपने रिलेशनशिप सुधारेगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को डिप्लॉय करेगा अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से वो अपनी जो आर्म्स फैक्ट्री थी उसको चलाएगा। ये चीजें हुई, ठीक है। अच्छा एक और बात हुई यहां पे, देखिए हैदर अली ने जो फ्रेंच के साथ दोस्ती करी वो अंग्रेजों को समझ में नहीं आई। अंग्रेजों को क्यों नहीं समझ में आई, क्योंकि उस समय पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो चुका था। क्या था ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर बोला जाता है इसको। 1775 से लेकर 1783 तक चला ये अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर। देखिए ये अंग्रेज जो थे जैसे ये इंडिया में आए थे ना, वैसे ही ये नॉर्थ अमेरिका में भी गए थे। तो नॉर्थ अमेरिका में जाके इन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली थी, वहां को लोगों को दबाते थे। तो आप देखोगे कि जो अंग्रेज जाके अमेरिका में सेटल हुए, उन अंग्रेजों ने लंदन को टाटा बाय बाय बोल दिया। उसने बोला भैया तुम कौन हम नहीं जानते। सोचिए अंग्रेज से अंग्रेज निकले अमेरिका में चले गए और जाके बोलने लगे कि हम अमेरिका ने कौन अंग्रेज, उन्होंने खुद अपने आप को अमेरिका का बना लिया। तो अब यहां पे क्या होगा, तो अंग्रेजी जो हुकूमत थी वो नाराज हुई, अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी सेना भेजी कि भैया ये क्या बवाल चल रहा है, इन रेवोल्यूशनरीज को दबाओ। तो आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका में कुछ फ्रेंच कॉलोनीज भी थी, तो जो रेबल बन गए थे ना यहाँ पे, वो रेबल जिन्होंने बोला कि भाई हम इंग्लैंड को नहीं जानते, हम तो अमेरिकन है, उन रेबल की मदद कर रही थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस समय नॉर्थ अमेरिका में एक्टिव थी। तो आप अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर में देखोगे कि जो लोग अंग्रेजों के साथ पल्ला काट रहे थे उनकी मदद कर रही थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहां पे आप देखोगे कि ये जो हैदर अली है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर रहा है। तो जैसे ही हैदर अली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपने रिलेशन अच्छे करेगा, अंग्रेजों को पसंद नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज बोलेंगे कोई बवाल नहीं, इस माहे पे कब्जा करो, ये जो माहे है ना आपका जो फ्रेंच सेटलमेंट है, इस माहे पे कब्जा करो, ये बवाल नहीं चल पाएगा। अब देखिए ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। शुरुआत में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ, मद्रास के ऊपर ढावा बोल दिया था हैदर अली ने और एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन कराई। उस ट्रीटी में लिखा कि अगर मैसूर का यानी हैदर अली का कोई पंगा होता है मराठास से तो अंग्रेज मदद करेंगे, लेकिन जब मैसूर अलू का ये जब हैदर अली का पंगा हुआ मराठास से तो अंग्रेज मदद करने आए नहीं। तो हैदर अली ने बोला ये अंग्रेज मेरे परमानेंट दुश्मन, अब मैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दोस्ती करूंगा। जब हैदर अली की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दोस्ती होने लगी, अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, अंग्रेजों ने बोला इस माहे को कैप्चर करो। और जैसे ही अंग्रेजों ने बोला कि माहे को कैप्चर करो, तो माहे को कैप्चर करना मतलब सीधे सीधे हैदर अली की अथॉरिटी को चैलेंज देना, जंग छिड़ गई। और यहां पे किसका आगाज हुआ, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से लेकर 1784। यहां पे हैदर अली क्या करेगा, यहां पे हैदर अली इंग्लिश के अगेंस्ट एक अलायंस सेटअप करने की कोशिश करेगा और इनिशियली वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा। तो हैदर अली ने अपने साथ मिलाया मराठास को और अपने साथ मिलाया निजाम को। मराठास और निजाम को उसने थोड़ी थोड़ी आप कह सकते हैं टॉफी चॉकलेट खिलाई और कहा कि तुम हमारे साइड हो जाओ, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक पे अटैक कर दिया और कर्नाटक पे अटैक करके आरकोट नाम की जगह को कब्जा लिया। और वहां पे जो अंग्रेजी आर्मी थी कोलोनल बैली के अंदर, ठीक है ना, कोलोनल बैली के अंदर 1781 में कोलोनल बैली के अंदर वाली इस आर्मी को हैदर अली ने हरा दिया। इन द मीन टाइम आप देखोगे कि शुरुआत में हैदर अली मराठास को निजाम को अपने साइड ले गया। यहां पे अंग्रेज अपनी श्रूडनेस दिखाएंगे, अंग्रेज बात करेंगे बैक चैनल से मराठास और निजाम से, मराठा और निजाम को धीरे धीरे हैदर अली की तरफ से तोड़ लेंगे। तो शुरुआत में तो हैदर अली को मराठास और निजाम का सपोर्ट मिला, बाद में हैदर अली अलग हो गया। अब यहां पे मराठा और निजाम क्या थे ना दोस्तों, ये लोग पैसे के पीछे ज्यादा भाग रहे थे। तो जहां से पैसा मिल जाता था या जहां से भी थोड़ी बहुत साठ गांठ हो जाती थी वहां पे ये विड्रॉ करते। शुरू में देखो हैदर अली ने थोड़ी टॉफी दी तो उनकी साइड हो गए, बाद में अंग्रेजों ने टॉफी दी तो उनकी साइड हो गए, हैदर अली की साइड से हट गए। यहां पे कोई भी प्लेयर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के रियल कलर को नहीं समझ पा रहा था। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये अंग्रेज बाहर से आए हैं, इनके साथ निपटना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो आपस में ही पॉलिटिक्स कर रहे थे, चलिए कोई बात नहीं। तो शुरुआत में आप देखोगे सर ये जो कोलोनल बैली के अंदर जो इंग्लिश आर्मी थी आरकोट में, उसको हरा दिया किसने, हैदर अली ने।
और कब्जा कर लिया कर्नाटक में, आरकोट पे कब्जा कर लिया। उसके बाद इन द मीन टाइम अंग्रेजों ने क्या किया, मराठास और निजाम को हैदर अली से काट दिया। उसके बावजूद भी हैदर अली ने बोला मैं इन अंग्रेजों को छोड़ूंगा नहीं, मैं अंग्रेजों से लड़ाई करूंगा। और उसके बाद एक लड़ाई हुई पोर्टो नोवो में, और पोर्टो नोवो की इस लड़ाई में आप कहेंगे कि हैदर अली हार गया। ये नवाई हुई नवंबर 1781 में। उसके बाद भी भले ही हैदर अली हार गया हो, हैदर अली ने अपनी फोर्सेस को रीग्रुप किया, ठीक है, और फिर उसने अंग्रेजों की एक दूसरी टुकड़ी को पास में हराया। तो मतलब देखिए क्या हो रहा, शुरुआत में कोलोनल बैली को हराया, आरकोट पे कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने काउंटर अटैक किया, पोर्टो नोवो की लड़ाई में हैदर अली हार गया, हैदर अली ने फिर से अपनी फोर्सेस को रीग्रुप किया और फिर अंग्रेजों को हराया, और उनका जो कमांडर था ना कोलोनल ब्रेथवेट को उसने बंदी बना लिया, कैप्चर कर लिया। फाइनली आप देखोगे दोस्तों कि हैदर अली इस समय तक बीमार पड़ने लगा था, दिसंबर 7, 1782 को हैदर अली की हो जाएगी मृत्यु। अब देखिए ये था वॉर दोस्तों, 1780 से 1784 था वॉर, इसके अंदर बहुत सारे बैटल हुए हैं। तो बैटल, पहला बैटल बताया जो कि आरकोट पे कब्जा आया, कोलोनल बैली को हराया, दूसरा बैटल पोर्टो नोवो पे हार गया हैदर अली, तीसरा बैटल उसने जब ब्रेथवेट को कब्जाया और अंग्रेजी की एक और टुकड़ी को हराया। तो आप देख सकते हैं कि इस बड़े से वॉर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बैटल्स हो रहे हैं। अगर आपको इनकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जैसा कि मैंने बताया मेरी इस वाली वीडियो को देखिए, जाके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। फिर आप देखोगे हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी 7 दिसंबर 1782 को, और हैदर अली के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, टीपू सुल्तान। अब यहां पे अगर देखें टीपू सुल्तान एक एबल रूलर नहीं होता तो अंग्रेज बहुत आराम से जीत जाते, क्योंकि हैदर अली एबल रूलर था और हैदर अली की टैक्टिक्स को अपनाने के लिए उसका सक्सेसर भी एबल होना चाहिए। टीपू सुल्तान एक बहुत एबल रूलर बन के सामने आएगा और टीपू सुल्तान एक साल तक लड़ाई चालू रखेगा अंग्रेजों के साथ। एंड में दोनों साइड्स को लगेगा कि भाई क्या बवाल चल रहा है, खत्म करो, बहुत नुकसान हो रहा है। मार्च 1784 में ये वॉर खत्म हो जाएगा, साइन होगा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इस ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के थ्रू कहा जाएगा कि दोनों साइड्स ने एक दूसरे के जो भी टेरिटरी लिए है उनको वापस कर दो, टेरिटरी वापस कर दी जाएगी, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो जाएगा। कोई भी इसमें विक्ट्री नहीं होगी, लेकिन आप देखिए यहां पे जो टैक्टिक्स अपनाई हैदर अली ने वो टैक्टिक्स खतरनाक थी। एक तरीके से आप बोला जाए कि पार्शली अगर किसी की विक्ट्री हुई तो वो हैदर अली की हुई, ठीक है। बहुत सारे बीच में बैटल हुए, कुछ बैटल अंग्रेजों ने जीते, कुछ बैटल हैदर अली ने जीते। एंड में ये जो वॉर था वो अनडिसाइडेड था, बट हल्का फुल्का आप कह सकते हो दिस वॉज इन फेवर ऑफ हैदर अली और मैसूर। तो यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होता है दोस्तों। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को जाके मेरी उस वीडियो में भी देखिए जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, और फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। हो सकता है पीछे से आपको थोड़ा तड़तड़ की आवाज आ रही हो, एक्चुअली में बारिश बहुत हो रही है मुंबई में, खिड़की खुली हुई है इसलिए वो आवाज आ रही हो, तो सॉरी अगर उसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।